शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर सभी एसोसिएट आप सभी को राशि नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार में नमस्कार साथियों ये एक एप्लीकेशन आप सभी लोगों के सामने उन सभी एप्लीकेशनों में से एक एप्लीकेशन है जो शुरुआत लीगल एक्शन के तौर पर कंपनी शुरू कर चुकी है ये हमारी वो पार्टी है जिसे कंपनी के अकाउंट से करीब अस्सी लाख रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे जमीन की खरीदारी के लिए और जाहिर सी बात है जैसा कि आपने देखा होगा अब तक की रिपोर्ट में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कंपनी का पैसा लेकर बैठे हुए हैं और वो किसी भी तरीके से उनके कान पे जू नहीं रेंग रही उल्टा वो कंपनी पर इल्ज़ाम लगाते रहते थे उल्टा वो कंपनी को दोषी बनाते रहते थे और ख़ुद के अकाउंट में लिए गए पैसों का कभी भी कोई भी जिक्र किसी से नहीं करते थे कोई बात नहीं वक्त का पहिया घूमता है कल उनका दौर था आज अपना दौर है कल उन्होंने जो करना था कर लिया बेमानी के आधार पर आज हमें जो करना है हम वो करेंगे ईमानदारी के आधार पर आप सभी ने देखा कंपनी केवन प्रतिशत के हिस्सेदार राशिद नसीम के जरिए पिछले चार साल से लड़ी जाने वाली लड़ाई आज किस मकाम पर आकर खड़ी हुई है कि आज हर एक कस्टमर हर एक, एक एसोसिएट इंतज़ार कर रहा है इंसाफ की उस पल का जो बहुत जल्दी आने वाला है जहाँ पर कंपनी अपने सभी कस्टमर अपने सभी एसोसिएट्स को उनका हक दे करके अपने को बाज़्ज़त बरी करके हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर से काम का परचम लहराए साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने चार साल तक बहुत मौका दिया उन सभी लोगों को जिनके पास कंपनी की ज़मीनें हैं गाड़ियाँ हैं पैसे हैं कंपनी की कोई भी चल और अचल संपत्ति के तौर पर कुछ भी जिसके पास में है, जिसकी कस्टडी में चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो कंपनी की प्रॉपर्टी का कोई भी वर्ज़न हो चाहे वो फ्लैट्स हों चाहे वो लैंड बैंक हो कुछ भी हो अगर गलत तरीके से किसी के पास में है तो किसी को भी कंपनी अब माफ नहीं करेगी किसी पे मुरवत नहीं करेगी किसी को नहीं बख्शेगी 2019 के बाद से लेकर के जिन लोगों ने साइटों पर जमीन पर अथराइज सिक्नेटरियों को बरगिला कर दबा कर मिला कर या चाहे जैसे भी रजिस्टर कराई अगर वो लोग हिसाब किताब भी नहीं देते हैं तो वो लोग भी इसके दायरे में पूरी तरह से आते हैं 2019 के बाद जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर अपने घर वालों के नाम पर अपने करीबियों के नाम पर या बिला वजह ऐसे लोगों के नाम पर बगैर वेरीफाई किए हुए बगैर चेक किए हुए कि इनकी लाइबिलिटी है कि नहीं अगर कंपनी की एक इंच ज़मीन भी किसी के नाम पर लिखी तो वो लोग भी इस दायरे में आते हैं इससे पहले हम सभी कानून की इस ताकत का और अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारा सिर्फ एक उद्देश्य था किसी भी तरीके से कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ ख़त्म करके अपने कस्टमर को खुशहाल देखना चाहती थी अपने एसोसिएट को अपने साथ देखना चाहती थी लोगों ने गबन किए हमने कुछ नहीं कहा लोगों ने आरोप लगाए हमने कोई जवाब नहीं दिया लोगों ने तरह तरह की साजिशें करी हमने उसका जवाब साजिश से नहीं दिया हमने चुपचाप ना काम किया लेकिन अब वो टाइम खत्म हो गया है अब तक चार सालों में आपने मेरी तरफ से की गई कोशिशों को देखा होगा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ नसीम जो लीगली पूरी तरीके से अथोराइज हैं किसी भी तरह का कोई भी लीगल एक्शन लेने के लिए हिंदुस्तान में इसी वजह से इन्होंने अपने आप को निरुद्ध कराया था और इसी वजह से इन्होंने कंपनी की लड़ाई लड़ने के लिए इतने साल की अपनी कुर्बानियां दी हैं आज इस जंग की शुरुआत चौतरफा हो चुकी है शशिवाला मैडम अपने कस्टमर्स के साथ में पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मजबूती से डटी हुई हैं और कोई भी विरोध करने वाला व्यक्ति अगर सामने आएगा तो सारा कस्टमर का सपोर्ट समर्थन कंपनी के समर्थन उनके साथ खड़ा हुआ है मैं लीगल तौर तरीकों से वकीलों की फौज लेकर के पूरी तरीके से हर उस आदमी के साथ, साथ खड़ा हूं जो हक की लड़ाई लड़ना चाहता है जो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता है उसके लिए कहीं किसी प्रकार से कोई रुकावट पैसा ना बने वकील ना बने कोई संसाधन ना बने उसके लिए मैं तैयार खड़ा हूं एसोसिएट एक साथ जमा हो रहे हैं और लोगों की पोल खोल रहे हैं हर किसी के बारे में खुल करके अब बात कर रहे हैं सबको बता रहे हैं और अब सारे एसोसिएट इकट्ठा हो जाने के बाद जिस प्रकार से उनका नेचर रहा है खतरनाक खुखार वाला वो अब बहुत जल्दी दिखाई देना शुरू हो जाए कोई भी व्यक्ति अब कंपनी के बारे में कस्टमर को बरगिला कर उल्टा सीधा कहकर नहीं जा सकता है आसिफ नसीम अपनी तरफ से अब जिस प्रकार से कानूनी तौर से एक्शन लेंगे उनके लिए बहुत आसान है जिस जगह पर वो बैठे हो वहां से बहुत आसान है कि एक चिट्ठी लिख करके वहाँ अथोराइज जो भी लोग हैं अथॉरिटी के तक पहुँचाना अथॉरिटी से सीधा पहुँचेगी कोर्ट तक कोर्ट से संज्ञान में लेकर के पुलिस स्टेशन को बाकायदा वो ऑर्डर किया जाएगा और अगर उनके द्वारा कोई एप्लीकेशन मूव होता है और उस एप्लीकेशन में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो सीधे सीधे शाइन के पूरे पूरे प्रकरण से सीधा उसे अटैच हो जाना है मैं एक आखिरी मौका दूंगा और बिल्कुल आखिरी मौका दूंगा हर उस व्यक्ति को जिसने दो के बाद से अब तक स्कैम किया है और वो भी आखिरी मौका उन लोगों के लिए जिनके नेचर में पाप ना आया हो क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि गलती की सजा होगी पाप की सजा की माफ़ी नहीं है गलती की माफ़ी हो सकती पाप की माफ़ी नहीं होगी तो आप में से जितने लोग इस दायरे में आते हैं 2019 के बाद से रजिस्ट्री करा के जितने लोग आज कंपनी का पैसा हड़प करके सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं अथोरइज सिग्नेटरियों का जितने लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है या कोई भी अथराइज सिग्नेटरी जिसने इस तरह कोई हरकत करी है या किसी ने अपने नाम अपने रिश्तेदारों के नाम अपने घरवार अपनी जमीनें कराई है किसी ने कंपनी गाड़ी दबा के रखा हुआ है जिस भी हाल में आपने कंपनी के एक इंच ज़मीन एक आना पैसा या कोई भी चीज अगर आप पास में है जो 2019 के बाद से है और जो लीगली आपके पास नहीं होना चाहिए वो तैयार हो जाए अब 50 लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है जिनके खिलाफ ये नोटिस जाएंगी 50 लोग ऐसे हैं जो इस दायरे में इस लेवल तक हैं जिन्हें बख्शने का सवाल नहीं पैदा होता और बाकी रही बात कंपनी का स्मिता पर जिसने भी सवाल उठाया है जिसने भी प्रहार किया है कंपनी के वजूद पर इसने प्रहार किया है उन सारे लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा तैयारी कर लें दो में से एक चीज़ों के लिए कंपनी की तरफ खड़े हो जाएं कंपनी माफ़ करते हुए आप सभी लोग साथ लेकर चलना चाहती है और अगर आपने संज्ञान में नहीं लिया तो आने वाले वक्त में वक्त बदलेगा और कंपनी जब खड़ी होगी तो कदमों में पड़े रहेंगे तो भी माफ़ी नहीं होगी